हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर 12th लेसन, इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। लास्ट पीरियड में हमने वॉविल प्लान के बारे में देखा, कैबिनेट मिशन देखा और किस तरीके से इंडिया का इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल शुरू था ये हमने देखा। डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो भी पाकिस्तान ने किस तरीके से पाकिस्तान की सेपरेट डिमांड के लिए किया गया था ये भी हमने देखा है। नाउ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंट्रीम गवर्नमेंट। व्हाइल द ब्लेज ऑफ वायलेंस हैड अराइजन इन द कंट्री, वाइसराय वॉवेल एस्टेब्लिश द इंट्रीम गवर्नमेंट। जब वायलेंस का जो दौर था वो इंडिया में और ज़्यादा बढ़ने लगा, तब वाइसराय वॉवेल उन्होंने इंट्रीम गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द हेड ऑफ दिस गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट के हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। द मुस्लिम लीग इनिशियली डिनाइड टू प्रैक्टिस इन द इंटरिम गवर्नमेंट, स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग ने इस इंटरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने से इनकार किया, बट लेटर पार्टिसिपेटेड इन इट, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया। बट सिंस द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग adopted the policy of obstruction, hence the interim government could not work smoothly. लेकिन जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे उन्होंने obstruction की पॉलिसी शुरू की, इसकी वजह से interim government जो है अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाई। Mountbatten plan, England's prime minister एटली हैड अनाउंस दैट इंग्लैंड वुड लीव इट्स डोमिनेशन ऑन इंडिया बिफोर जून 1948। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर एटली ने अनाउंस किया था कि इंग्लैंड जो है वो जून 1948 से पहले इंडिया के ऊपर से अपनी हुकूमत छोड़ देगा। ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया, और इसीलिए इंडिया की जो ट्रांसफ़र की पावर थी उस हिसाब से लॉर्ड माउंटबेटन वॉज अपॉइंटेड एज अ वाइसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया के वाइसराय अपॉइंट किया गया। माउंटबेटन हेल्ड डिस्कशंस विथ प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडिया। उसके बाद माउंटबेटन ने इंडिया के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनके साथ डिस्कशन किए। देयर आफ्टर ही प्रिपेयर्ड अ प्लान ऑफ क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एज टू इंडिपेंडेंट नेशन, और उसके बाद उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों इंडिपेंडेंट नेशन कैसे बनाने हैं इसके प्लानिंग किए। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द प्लान ऑफ पार्टीशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिया का, इंडिया और पाकिस्तान ये दो इंडिपेंडेंट नेशन ऐसा पार्टिसिपेशन करने के प्लान को विरोध किया। यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज द बेसिक स्टैंड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमारे नेशन में यूनिटी होनी चाहिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेसिक स्टैंड था। बट द मुस्लिम लीग रिमेन एडामंट ऑन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन मुस्लिम लीग पाकिस्तान का सेपरेट क्रिएशन करना है इस बात पर फर्म थे। नेशनल कांग्रेस वॉज लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ पार्टीशन विथ कंप्लीट हेल्पलेसनेस, और उसकी वजह से नेशनल कांग्रेस के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था और इसीलिए उनको हेल्पलेसली इंडिया के पार्टिसिपेशन का डिसीजन एक्सेप्ट करना पड़ा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन 18th July 1947 ऑन द बेसिस ऑफ माउंटबेटन प्लान द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। 18th July 1947 को माउंटबेटन के प्लान के हिसाब से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया। ऑन 15th August 1947 द टू इंडिपेंडेंट नेशंस इंडिया एंड पाकिस्तान विल कम इन टू एग्जिस्टेंस, और उसके बाद 15th August 1947 को इंडिया और पाकिस्तान ऐसे दो नेशंस अलग अलग एग्जिस्ट हुए।
देयर आफ्टर द ब्रिटिश पार्लियामेंट विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर देम, और उसके बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट का इन दोनों के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा। द ब्रिटिश सुप्रीमसी ओवर द प्रिंसली स्टेट्स विल ऑल्सो कम टू एन एंड, ब्रिटिश की जो प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर सत्ता थी वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गई। द एक्ट प्रोवाइडेड देम द राइट टू आइदर जॉइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। अब इस एक्ट के हिसाब से इन प्रिंसली स्टेट को यहाँ पर अधिकार दिए गए कि एक तो वो इंडिया को ज्वाइन करे या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन करे या फिर वो खुद इंडिपेंडेंट रहे। इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस। एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के हिसाब से 15th August 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। अ मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज गोइंग ऑन इन द हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस इन दिल्ली इन द मिडनाइट ऑफ 14th August 1947। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग है वो दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के हॉल में 14th August 1947 को मिडनाइट तक चली। एज द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर इंडियाज डिपेंडेंस केम टू एंड एंड, और उसके बाद में जैसे ही मिडनाइट के 12 बजे का स्ट्रोक हुआ इंडिया का डिपेंडेंस ख़त्म हो गया। द यूनियन जैक ऑफ ब्रिटेन वॉज लोअर्ड एंड इन इट्स प्लेस द इंडियन ट्रिकलर फ्लैग वॉज अनफ्लर्ड, और उसके बाद में रात को 12 बजे ब्रिटेन का जो यूनियन जैक था उसे नीचे उतारा गया और इंडिया का तिरंगा वहाँ पर लहराया गया। इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द 150 ईयर्स ऑफ स्लेवरी, और इस तरीके से इंडिया को 150 साल की गुलामगिरी के बाद इंडिपेंडेंस मिला। द जॉय ऑफ अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम वॉज नॉट अनयूनाइटेड, लेकिन यहाँ पर फ्रीडम मिलने का जो खुशी थी वो यहाँ पर एक जैसी नहीं थी। इंडियन पीपल वेयर ग्रीव्ड ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड द टेरिबल वायलेंस ड्यूरिंग दैट पीरियड। अभी भी इंडियन पीपल को फ्रीडम मिलने के बाद उनके मन में दुख था क्योंकि इंडिया का पार्टीशन हुआ था, सेपरेट ऐसा पाकिस्तान उसमें से बनाया गया था, और उस पीरियड में जो कुछ भी टेरिबल वायलेंस हुआ था उसकी वजह से। इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस गांधी जी वॉज ड्राइविंग हार्ड इन बंगाल। ये जो इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन था उसमें ज्वाइन करने के बजाय गांधी जी बंगाल में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे। विद इन 6 months ऑफ अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिया गांधी जी वॉज ब्रूटली एसिसिनेटेड बाय नथुराम गोडसे ऑन 13th January 1948। इंडिपेंडेंस मिलने के 6 महीने के बाद ही गांधी जी को नथुराम गोडसे नाम के पर्सन ने 13 जनवरी 1948 को उनकी हत्या की। गांधी जी स्ट्रो डे एंड नाइट टू प्रिजर्व हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड लेट डाउन हिज लाइफ फॉर द सेम। गांधी जी ने दिन रात मिलकर हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी बनाने की कोशिश की और उसके लिए ही उन्होंने अपनी जान भी गंवाई।